बाद में ले लेना फोटो, पहले मेरे को एक एक साथ पूरा कर लेंगे ना। दा भाई तू बंद कर, अभी तू भी अकेले है ना। इसका स्किन कैसा है यार? वो बहुत चिल्लाने धुलने के बाद ब्लॉग, मतलब क्या बात की हमारी, और हम लोग जा रहे हैं कोई सीक्रेट जगह पे, वहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा। कैब आ चुकी है और हम जाएंगे अब। सो इतने भाई इतने मेहनत, इतने चैलेंज करने के बाद हम लोग फाइनली कैब में बैठ चुके हैं। कहाँ जा रहा है वो अभी नहीं पता चलेगा आप लोग को, पहुँचने के बाद आपको दिखाया जाएगा, देख लेना। थक गया भाई, भाई हम लोग को भूख लगी थी बट यहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, पता नहीं क्या है, पता नहीं। हाँ यही बात है, बहुत महंगा है। इससे अच्छा भाई हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं कुछ खा लेंगे। एक पानी की बॉटल लिए, उससे पेट भर रहे हैं हम लोग तब तक। अभी तक हम लोग डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं एंड देखो भाई बारिश होने लगी, बट जैसे मैं घर से निकला था वैसे ही बोला था भाई हमें कोई नहीं रोक सकता, हम लोग बना के रहेंगे, शूट करके रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा बारिश का मजा ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अंकल अभी कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 25 मिनट, शायद 25 मिनट में बारिश रुक जाए। वो एक लोग अपना एस्थेटिक फोटो निकालने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, बारिश देखेगी नहीं फोटो निकालना स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से अब मैं बता दूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं मरीन एक्वा जू, एंड आपने अगर रील में देखा होगा या शॉर्ट्स में देखा होगा तो उसमें ना हम लोग मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं और एक्वा फिशेज है सब कुछ, तो उसमें उसमें क्या होता है कि हम लोग सांप को टच कर सकते हैं और बहुत सारे और एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं जिसको टच कर सकते हैं। तो इसके लिए उमेश बहुत एक्साइटेड है। उमेश बोला भाई मैं पक्का सांप को अपने गले में लपेटने वाला हूँ। भाई ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई, और बारिश भाई क्यों, भाई क्यों आज क्यों आना था भाई तुम लोग को? मैं घर से निकलते टाइम बोला छतरी ले लेते बट आलस के मारे हम लोग ने लिया ही नहीं यार, क्या होगा बताना। बस मैं यही सोचो बाजू में जहाँ होते हैं उसके बाजू में कोई रेस्टोरेंट है वहीं हम लोग घुस जाए, और ऐसे भी खाना तो खाना ही है। हाँ खाना भी खा लेते हैं और तब तक मनाते हैं कि बारिश में रुक जाए। अबे वो बॉटल की वजह से। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दादर या व्हाटएवर ये जगह है, मेरे को थोड़ी पता है जगह कहाँ है, बस मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ हम लोग को जाना है। ये इज द गोल्डन मैन, ये फोटो खिंचाना देखो। बोल रहा है कि ये जो वाइट लोग हैं ना ये लोग भी व्हाइट मैन है, एंड ये लोग बहुत सख्त हैं, इन लोगों को कुछ भी करो ये लोग टच नहीं करते, मतलब ये सालों से ऐसे ही इनको श्राप मिला थोड़ा कुछ ऐसा। उमेश बोल रहा है भाई मेरे को कोई लेना ना। दिस इज द प्लेस जहाँ हम लोग आए भाई, ये छोटा सा दिख रहा है बट बहुत इंटरेस्टिंग जगह है भाई, अभी भी मैं बर्ड सोर्स को देख सकता हूँ। और मैंने आज क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि आज बिल्कुल भीड़ नहीं रहेगी। सो हम लोग ऑलमोस्ट मरीन एक्वा जू में पहुँचने वाले हैं। सो कैसा लगेगा पता नहीं, देखते हैं अंदर लोग कैमरा भी अलाउड करते कि नहीं भाई। मतलब मैंने सोचा था कि मैं कहीं जाऊँ और वहाँ कुछ बखेड़ा ना हो, तो गाइस मैं जिस इंटरेक्शन के लिए आया था सोचा था भाई सांप वहाँ के लिए जितना हम लोग सोचे थे, आज सांप है ही नहीं, आज हम लोग सांप से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते, मेरी दुआ कबूल हो गई। उमेश क्लियरली बच चुका है बट इसको तो मन था भाई, अब क्या होगा इस बच्चे पे, क्या बीतेगी इस बच्चे के मन में, क्या बीतेगी। मिला है टिकट, देखते हैं बाकी सब इगुआना विगुआना यहां जाना चलता है, बाकी सब इगुआना विगुआना सब है देख लेते हैं भाई क्या टाइम पास होता है। ये देखो भाई ये उमेश, पिछले जन्म में उमेश यही था, गिर गिर उमेश उमेश हेलो उमेश, ये क्या है लेकिन ये क्या है ये मगर घोटा, देखो गाइस एकदम कोने में, एकदम ए कोने में, एकदम कोने में है देखो गाइस। ये हैमस्टर ये देखने के लिए हम 300 का कैब बुक करके आए, वही ना खरगोश लोग, तुम लोग को पता नहीं है बट तुम लोग के लिए हम लोग डायरेक्ट पवई से आए, लिटरली पवई से 300 का कैब लगाया और प्लस अभी 300 जाने का लगा, कुछ शर्म करो, एटलीस्ट नाच के दिखा दो यार प्लीज, एटलीस्ट नाच के दिखा। उधर क्या कर रहा है तेरे भाई, मैं तो टूट गया। और गाइस सब्सक्राइब बोल दो प्लीज, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज, मेरे को हाई फाइव दे दो तुम लोग। अरे अरे मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था भाई, रैबिट से तुम लोग जीते हो भाई। अरे सोचो नहीं कर, ऐसे थोड़ी आएंगे, डायरेक्ट उठा लो, तू कर सकता है श्याम, मेरे को तेरे पे भरोसा तू कर सकता है, एटलीस्ट तो सांप तो नहीं उठा सकता, तो ये तो उठा, पकड़ ले कुछ नहीं करेगा।
वाह, श्यामानंद ने कर लिया, 100 रुपए का फायदा उठा लिया। हाई फाई गाइस, हाई फाई, हाई फाई, छोड़ मत छोड़ मत, मार रहा पैर से। भाई तुम लोगों ने डेबिट को हराया, मेरे पे तुम लोगों को बहुत सारा प्राउड। उसके नाखून है पैर में, घूम लेता उमेश। उमेश टच कर ले, टच कर ले, ऐसा मौका नहीं मिलता वापस। अरे ले ले, फेस मार कर, फेस मार कर। डरपोक डरपोक उमेश, डरपोक उमेश, बाद में ले लेना फोटो, पहले मेरे को एक एक हाथ पूरा कर लेंगे ना। दा भाई बंदे तेरा भी तू भी आके रहे ना। इसका स्किन कैसा है यार, बारिश खाली बारिश जाने दो सर, खाली बारिश। एक लाइक तो बनता है। नवंबर दिसंबर में भाई लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था भाई बिल्ली के लिए इतने लोग आएंगे। भाई बिल्ली के लिए गाइस लिटरली मैं अपने घर से लिटरली 30 किलोमीटर दूर आया कैब पकड़ के। और कैसा लगा उमेश देखो, तू तो किसी को टच नहीं किया भाई, मैं बोर्ड हो जाके टच वच कर किसी को फील ले थोड़ा यार, सब बोरिंग है। मैंने कछुए को टच किया जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं है, वैसा कुछ नहीं। ये सब मैं चल जाता, अगर सांप रहता ना मैं सबको माफ कर देता, बट सांप ही नहीं है। मतलब सांप क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई सांप, क्या माने उमेश का। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सांप के लिए बहुत एक्साइटेड था, बट मैं इसको नहीं टच कर पाया। अभी आपने जो पहले देखा, मैं उसको टच करने में डर रहा था। सांप के लिए भाई फट के चार हो जाते मेरी। तो ठीक है सब लोग को बाय बाय, ये खरगोश हैमस्टर मुर्गी टच, तूने अभी सब एनिमल को टच किया। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं गाइस। बाय बाय, गाड़ी अच्छी लगी मेरे को, कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को गाड़ी अच्छी। ये डक वक को ले लूँ मैं? हेलो हेलो गाइस, क्या रे सिकांडू, प्लीज से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो 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 हेलो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कहने की बात, ये नीचे तेरा दोस्त, ये नकली है, असली है, असली है, असली है भाई, असली है। मोटू उठ जा, बट मेरे को ये भाई कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। रुकना, ये कौन है भाई, ये चिपको मच्छी है, ये नकली है, कुछ कहना चाहते हो तुम लोग आपको, आपके परिवार से कुछ कहना चाहोगे? अच्छा हाँ, तुमको पता है तुम्हारी फैमिली को इसने कल खा लिया था, कल परसों इसने तुम्हारी फैमिली को इतना बड़ा 200 का खरीदा खा लिया। ये छोटे छोटे जिसके दांत में फंस जाते हो मैं इसके। हाँ नहीं यार, फिर निकालने में दिक्कत होती है। और कौन है ये, गोल्ड फिश है ना? गोल्ड डिगर है वो, गोल्ड फिश नहीं है। हेलो 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 हेलो, क्या तुम जिंदा हो या तुम इस जिंदगी से बोर हो चुके हो? ये एलिगेटर गया, इसके अंदर सब पढ़ लेना है सब बात। काटे कितने नहीं काटेगा, डर मत, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मेरे को कंटेंट मिल रहा है। फेंकना मत तुम्हें, नहीं इन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। नहीं अगर सांप रहता तो मैं 10 में से 7 दे देता। अब हम लोग को लिटरली बहुत ज्यादा भूख लगी, लिटरली हम लोग ने कुछ नहीं खाया सुबह से भाई। और एक और बात, ये कैमरा का बैटरी डाउन होने वाला है, तो शायद अब हमको इनमें से किसी एक का, मतलब इसके मोबाइल से शूट करना पड़े थोड़ा बहुत। गाइस हम लोग बहुत बुरी तरह थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन फिर भी श्यामानंद बोल रहा है भाई उसको आगे सीनरी देखना है। पता नहीं, पता नहीं क्या सीनरी देखना है भाई। मैं बोल रहा हूँ एक रेस्टोरेंट ढूंढो कुछ खाने का, देखो ना मर जाएंगे इधर ही। बट भाई घूमना तो घूमना होता है, क्या कर सकते हैं। व्हाट अ सही जगह, क्या खूबसूरत जगह है। मैं अपनी कमेंट्री कम कर दो, तुम लोग थोड़ा नज़ारा लो। ये देखो, ये है बांद्रा वर्ली सी लिंक, काफ़ी कूल जगह है। थोड़ा मैं खड़ा हो जाऊँ ऊपर। नजारा देख लिया हम लोग, सो नजारा देख लिया क्या उमेश तूने?
मस्त है यार, पूरी भूख मिट गई। हाँ भी नजारा, काश भूख मिटा सकती तो मैं दिन भर नजारा ही देखता, जिंदगी यही रहता भाई। अब मैं सोचो इतना दूर आया तो थोड़ा फोटो वोटो भी खिंचा ले भाई। कॉलेज वाले फोन कर रहे यार। मैं क्या कॉलेज वाले क्या बोल रहे कि तू तेरे को नहीं बोला, अभी ग्रेजुएट कर दिया क्या? आपने बहुत स्मार्ट हो, मेरे को पास कर दिए भाई। मैंने श्यामानंद पे भरोसा किया कि हम लोग को अच्छी जगह लेकर जाएगा, बट ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट थोड़ी होता है गाइस। हम लोग ये पहली बार कैमरा एकदम लास्ट स्टेज पे, तो मैं सोचा फाइनल भाई बोल दूं। तो हम लोग को फाइनल टैक्सी मिल चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। और ये पीछे दो बंदर देख सकते हो, फाइनली ऐसा करके गाड़ी मिल के हम सीधा करते हैं। चेहरा देखिए नहीं, ओके फाइन। सो फाइनली 24 आवर्स का बोला था और फाइनली डे कंप्लीट हो गया। मतलब व्लॉग बनाने के लिए इतना ज़्यादा मशक्कत भैया। भाई जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो बेस्ट व्लॉग बनाता हूँ, तूफानी एकदम। हम लोग टास्क किए उसमें, हमने बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, वो आपको वीडियो में देखने मिल जाए। खैर देखो, आज की बात में कोई मालूम पड़ा है कि अब मैं व्लॉग्स में बहुत लोगों को ऐड कर सकता हूँ ऐसा ना भैया। मतलब इसको 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 चैलेंजेस और ऐसे टास्क हम लोग आगे भी ला सकते हैं। सुने यार, अभी एडिटिंग के टाइम पे देखूंगा ना, देखता हूँ क्या किया है लोगों ने। वैसे किया क्या है समरी में बता। नहीं समरी उन लोगों को क्यों बता, मैं तेरे को बता रहा ताकि तू अच्छे से एडिट करे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ, ध्यान से सुन लेता हूँ क्या। तो मेरा 24 आवर का ब्लॉग एंड होता है, इसके बाद मैं नहीं दिखूंगा बहुत दिन से, मेरे को ऐसा वीडियो में दिख। बट लिटरल में आज मैंने बहुत मजा किया, लाइक सीरियसली लेट उठा, उसके बाद मैं गया मैगडी, मैं शुभम और मेरा एक दोस्त आराम से बैठे 5 बजे तक, हम लोग मैगडी में बैठे थे, दुनिया भर की बात कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे, बहुत चिल। और हम लोग भाई, हम लोग का सर दुख रहा था धूप में, यहाँ तो मैंने अभी पूरा क्लिप्स को गो थ्रू किया है एंड जेन्युइनली काफी अच्छा वीडियो बना है। बट इन लोग का कैसा पता है, मेरे को डेली बनाना रहता है, अब इन लोग को एक ही दिन बनाना, तो इन लोग पूरा अपना परफेक्शन। मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, हफ्ते में 3 ही वीडियो डाल, बट एकदम मेरा यहाँ पे डेली व्लॉगिंग है और मेरे को बाकी सब भी तो करना ही है, गेमिंग भी तो करना ही है। ओके फाइन, तो मैंने क्लिप्स देख लिया और बहुत ज्यादा क्लिप्स है, मतलब ये लोग जोश में आके कचरे जैसा क्लिप्स पे क्लिप्स पे क्लिप्स पे क्लिप्स कर लिए। इसके पास कम से कम बहुत घंटे का है इसको एडिट करने में बहुत है, और जैसा मैं सोचा अगर इसने एडिट नहीं किया तो मैं वीडियो अपलोड नहीं होने दूंगा, भले 2-3 दिन लग जाए, बट एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑफकोर्स अच्छी करूंगा। सो ओके फाइन, सो लाइक इट्स ऑलमोस्ट 8 बज चुका है और यहाँ पे भैया भी बैठे हैं, इनको वीडियो में तुम देखोगे बहुत। यही स्पॉइलर, अच्छा ये तो लास्ट है ना। Yes. अच्छा इनका एक और आएगा, ये अपने 500 को कैसे यूज करते हैं उसका एक वीडियो हम लोग बाद में श्यामानंद के चैनल पे अपलोड कर देंगे, जो कि कभी नहीं बनेगा ना कभी होगा। ये लोग चैनल कब्जा कर रहे हैं गाइज। नहीं कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग को पसंद आता है तो फिर मैं ऐसे ग्रुप्स में ही वीडियो लाऊंगा। क्यों भाई, ये चैलेंज वाला मेरा कंटेंट है समझे। फाइन, तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी है, उसमें मेरी हालत खराब होने वाली है। सो यार मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर हो सकेगा तो इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दूंगा, और इफ हो गया तो फिर दोनों एक ही में कर दूंगा। ओके सो या बाय बाय।